जाम मिल् इस्लामी कोर्स से आज के दिन यानी 28 सितंबर को जो जितने भी रियल्स पब्लिश करे करेंगे उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा सबसे पहले यानी कि सिंपल आपको कोर्स का नाम बता देंगे बक्या तो आप जानते ही है यहाँ से सबसे पहले हम कोर्स का टाइप सेलेक्ट करते हैं अभी जो हम सबसे पहले बैचलर का चेक कर लेते हैं तो बैचलर का फिलहाल आया है इसके बाद अगर हम बात कर लें कोर्स का नाम में हम यहाँ पर अभी जो आया है वो बी जीरो सेवन का बी, बायो साइंस एंड बायोटेक का इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और उसका जो कैप्चा दिख रहा है आपको एजटी डाल देना है उसको सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए मैंने इस वीडियो बना भी दिया है लेकिन मैं इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वो आपको बता दूंगा उसके बाद फिर बैक टू बैक दूसरे कोर्सेज के को बारे में बता देंगे देखिए इसमें जो सीन है क्योंकि इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट है और इसमें वेटिंग लिस्ट भी है तो बस यही दो तीन बातें ही बताना है इसमें एक तो सबसे पहले आपको बता दें कि या रहा फर्स्ट पेज पर आ गए हम जी ये रहा है बी एस सी बायोटेक एंड बायोसाइंस का ये और इनका जो एडमिशन का जो डेट है यानी एडमिशन जामे में इनको मिलेगा बारह से तेरह अक्टूबर को और ये वो डॉक्यूमेंट्स है जिसको लेकर जाना होगा हमने डॉक्यूमेंट वीडियो बना दिया आप उस वीडियो को देख लीजिएगा इस साल का ये बायोसाइंस का कट ऑफ गया है और इसके बाद अगर हम बात कर लें तो इसमें ये स्टूडेंट्स है जो सेलेक्टेड है इन स्टूडेंट्स को बारह डेट जो दिया गया यानी कि देखें तो बारह से तेरह अक्टूबर को इनको एडमिशन जाकर लेना होगा जामे कैंपस में और एक बार और यहाँ पे ऐड कर दें कि इसमें बायोसाइंस के साथ साथ बायोटेक वाले स्टूडेंट्स भी है इसके साथ साथ यहाँ पे ये यह भी ऐड कर दें कि वेटिंग लिस्ट का भी यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम है तो जो वेटिंग लिस्ट वाले इस पेरेंट हैं इनको सेकंड लिस्ट में मौका मिलेगा मतलब ये कि जो सेकंड लिस्ट आएगा उसमें इन स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट वालों को मौका दिया जाएगा अब आप कहेंगे भाई वेटिंग लिस्ट वाला कब तक आएगा तो वेटिंग लिस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा जब ये पहला जो लिस्ट अभी आया हुआ है इसका एडमिशन हो जाने के बाद वेटिंग क्योंकि अब कोई और बहुत मुश्किल है क्योंकि जिन स्टूडेंट्स को पता चलेगा भाई हमारा वेटिंग में है तो फिर ओबियसली वो, वो चाहेंगे कि हम अपना रिजल्ट यानी अपना जाम में एडमिशन ले लें अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कोर्सेज पे जो कि बी थर्टी सिक्स है हम इस पर इसके बारे में भी क्योंकि कुछ कन्फ्यूजन गया इस वजह से तो हम सिंपल इस पर भी सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इनका जो है ना सिंपल इंटरव्यू का सीन है अब इसमें वही स्टूडेंट्स का नाम आया है जिनका इंटरव्यू होना है अब अगर कोई कहे कि भाई फिर से लिस्ट आएगा बिल्कुल नहीं आ पाएगा अब अगर भाई इन्हें स्टूडेंट्स का इंटरव्यू होगा उसके बाद ये वो स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट होंगे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग मिला है बीस अक्टूबर से लेकर के और रोल नंबर के अकॉर्डिंग टाइम मैंसन है इनका इंटरव्यू दो तरीके से हो सकता है आपके चॉइस के ऊपर है या तो आप ऑनलाइन दे लीजिए या फिर ऑफलाइन दे लीजिए अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हैं तो आपको इस पर ई करना पड़ेगा और अगर ऑफलाइन देना चाहते हैं तो फिर तो आपको इस डेट के कॉर्डिंग और लम, सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको पहुंचना पड़ेगा और ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंचना पड़ेगा उससे पहले अगर जो ऑनलाइन करना चाहते हैं उसके लिए ग्यारह अक्टूबर तक उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन देना चाहते हैं तो यह सीन अब इसमें जो भी स्टूडेंट्स का नाम है इन हर स्टूडेंट्स को इंटरव्यू अब इसके बाद जो इंटरव्यू दे लेंगे तो उसको आप फिर से एक लिस्ट निकलेगा और उसमें उन स्टूडेंट्स को नाम आएगा और उसमें उन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना पड़ेगा चाहे वो बैचलर होटल मैनेजमेंट को या किसी और कोर्स को इसके बाद अगर हम बात कर ले थोड़ा सा एंड इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने कम्युनिटी पोस्ट पे जल्दी ही कुछ देर पहले ही जो है हमने अपडेट करा था इसमें देखिए अब मैं आपको बता दूं जो रियल्स मैंने दो रियल्स के बारे में बताया है इसके बाद जो है वो एम नाइनटीन एम थर्टी वन एम थर्टी एट एम फोर्टी फोर एम फोर्टी सिक्स एम फोर्टी नाइन करके ये सारा जो रिजल्ट है यानी कि एम सेवनटीन तक जो हमने बता रखा है ये सारा रिजल्ट अभी आज के डेट में जामिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या करा था बैचलर सेलेक्ट कर लेता था यहाँ पर आपको मास्टर सेलेक्ट करना है अब यहाँ पर मास्टर सेलेक्ट करने के बाद जो कोर्स का हमने नाम बताया है जैसे